असलकम डर स्टूडेंट्स वेलकम टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वीडियो लेक्चर सीरीज सो इन टूडेज इम्पोर्टेंट प्रोसीजर एंड सो इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट वन मस्ट टेक टू अप्रोच मैकेनिक्स प्रॉब्लम आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे और मैं बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह एक मकैनिक के प्रॉब्लम को आप लोगों ने प्रोसीड करना है उसको किस तरह रीड करना है उसमें से गिवन डेटा निकालना है और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कंडीशंस आप लोगों ने इक्वेशंस किस तरह बनाने तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है फॉर्मुलेटिंग प्रॉब्लम एंड ऑब्टेनिंग सोलूशन पहले तो आपने फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपने प्रॉब्लम को सही तरह से रीड करना है और उसके स्टेटमेंट को समझना है कि उसमें क्या कह रहा है ठीक है क्योंकि हर एक प्रॉब्लम में एक अलग अलग सीन या अलग अलग सीनेरिया होता है कभी कभार हमें लिखा होता है कि एक फोर्स दूसरे के टू टाइम्स है और हम देखते नहीं है आ, कभी कभार हमें लिखा होता है कि यहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो नहीं है फॉर एग्जाम्पल हमें लिखा जाता है कि wall, तो हमें पता नहीं चलता है कि यहाँ पर फ्रिक्शन लेना है कि नहीं यहाँ सबने देखना है अगर रफ वॉल का आ तो होगा। इस तरह के हर एक क्वेश्चन के स्टेटमेंट में हिंट्स होते हैं ठीक है सब फिर आप लोगों ने अः uh, स्टेटमेंट को समझने के बाद आप लोगों ने अः uh, डेटा जो है उसमें से जो सब कुछ दिया होता है वहां पे तो कुछ डेटा इस तरह होते हैं कि फिगर में दिए होते हैं कुछ डेटा में दिए होते हैं तो आप लोगों ने दोनों कलेक्ट करने ठीक है फिगर में इस तरह हो सकते है कि वहां पर कुछ डायरेक्ट नहीं दे सकता एंगल वो इनडायरेक्ट एंगल दिए होते हैं लेकिन हम अगर उस पर अल्टरनेट और क्रांसपॉन्डिंग एंगल का कंसेप्ट इस्तेमाल करें तो एंगल हम फाइंड कर सकते हैं कुछ लेंस हमें गिवन नहीं होते फिगर्स में वो हम एंगल्स जब होते हैं तो वो साइन ला और कोसाइन ला की मदद से हम वो निकाल सकते हैं मतलब ये कि इनडायरेक्ट हमें डेटा गिवन होता है और डेटा लिखने के बाद आप लोगों ने फिर रिक्वायर्ड जो डेटा है जो आपसे कुछ मांगा गया है वो आपने लिखना है कि यार मुझसे क्या मांगा गया है फॉर एग्जाम्पल आपसे फ्री बॉडी डायग्राम जो है प्रॉब्लम से आप लोगों से पूछा जाए एक क्वेश्चन आ जाए कि इसमें सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड करो तो आपने पॉइंट ए पर फॉर एग्जांपल एक सपोर्ट रिएक्शन है दूसरे पर भी सपोर्ट रिएक्शन है तो आप जब पॉइंट ए की सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करोगे तो बी पर मूवमेंट जीरो लोगे ताकि सपोर्ट रिएक्शन ए पर फाइंड हो जाए और अगर बी तो पर फाइंड करोगे तो ए पर मूवमेंट जीरो लोगे ठीक है और अगर इसमें कुछ टेंशनस हो या वायर्स हो केबल्स हो

चेंज कर लो अगर आपने एक डायरेक्शन में लिखे दूसरे में लिख लो फिर आपने आपके लिए इधर लिखा है दी डिवेलपल सोलूशन आप लोगों ने किस तरह डिवेलप कर लें ये इस तरह लेंडप होगा कि आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखते ही आपको ये पता चलना चाहिए कि इसमें कौन से फार्मूले यूज होते हैं इसमें कौन से कहा से मैं अप्रोच कर सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल आपसे अगर पूछा जाए कि यहाँ पर रिजल्टेंट्स फाइंड करो तो वो तो अः फाइंड हो सकता है ठीक है अगर आपसे पूछा जाए कि कंपोनेंट्स फाइंड करो वो जो है आ, बोल से तरीके साइन लग की मदद से को साइन की मदद से आ, एफ एक एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा एफ एफ वाई इज इक्वल टू साइन थीटा इस तरह और अगर आपसे फिर पूछा जाए कि ये इतने फोर्स एक बॉडी पर लग रहे हैं इसका ओवरऑल रिजल्टेंट फाइंड करो

रेक्टेंगल ट्रायंगल अगर वो तो उसके लिए तो हम फाइंड कर सकते हैं उसका एरिया रिजल्टेंट होगा ठीक है और अगर वो ना हो कुछ कर्ज हो तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन की मदद से कर सकते हैं इसी तरह अगर आपसे अगर हम आगे जाए आपको सेंट्राइड से पूछा जाए तो उसके फार्मूले आपको पता होना चाहिए ठीक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की का क्वेश्चन आ जाए तो आपको वो अप्रोच आपको आना चाहिए कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा वर्टिकल स्ट्रिप कैसे लूँगा हॉरिजेंटल कैसे लूँगा ठीक है और उसके बाद आ, मैंने यहाँ पे पैरालेक्स थोरम यूज करना है या डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड से करना है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शे किस तरह निकलेगा ठीक है उसके बाद आ, जो अगला मॉड्यूल है फ्री बॉडी डायग्राम फ्री बॉडी डायग्राम आपने तो बहुत अच्छी तरह सीखना है ठीक है क्योंकि इक्विलिब्रियम के तकरीबन सारे क्वेश्चन ही फ्री बॉडी डायग्राम से शुरू होते हैं इक्विलिब्रियम का जितने ही बस मॉड्यूल्स हैं तकरीबन तीन के दो मॉड्यूल्स है इक्विलिब्रियम पे जो बेस्ड है वो बहुत ज्यादा वो बैकबोन की तरह रोल प्ले करते हैं इस फाइनल टर्म के कोर्स में वो आप लोगों को पता होना चाहिए ठीक है और उसके बाद अगर फ्रिक्शन से कुछ क्वेश्चन आ जाए वो भी आपने देखने के कहाँ पर मैंने क्या करना है फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट में सब कुछ गिवन होता है वो, वो लिखा होता है कि तो लेटर नहीं लेना है rough पे लेना है फ्रिक्शन अगेंस्ट मोशन शो करना है ठीक है अगर कहा जाए कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फाइंड करो तो पेडिंग फ्रिक्शन का फार्मूला लगाकर निकालो इसी तरह अगर आपके पास मोड्यूल थर्टीन से क्वेश्चन आ जाए वर्क एनर्जी आ, से अगर आपसे कहा जाए कि एक बाड़ी है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो इसका फॉर एग्जांपल एक, एक स्लाइड कर रहा है तो उसका डिस्टेंस फाइंड करो तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का फार्मूला जो है इनिशियल काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी एनर्जी प्लस वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू तो टू बी इज इक्वल फाइनल तो आप लोगों ने इस इक्वेशंस के लिए अपने लिए वैल्यूज निकाल ली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब बाड़ी रेस्ट में हो तो जीरो हो जाएगी फिर वर्क डन आपने निकालना है पॉइंट ए से बी तक कितने वर्डन हुए एक तो बॉडी अपने लिए वर्डन कर रही है ठीक है दूसरा उस पर फ्रिक्शन वर्डन कर रहा है तो ये दो वर्डन आ गए फिर उसके बाद फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो ये सब कुछ डियर स्टूडेंट्स आपने जूम करना है फिर उसके बाद आपने क्या करना है जो फॉर्मूले है वो आपने लिख लिए जिस प्रिंसिपल्स पे हो रहा है तो वो आपने उस पे अप्लाई करने फिर आपने कैलकुलेशंस करनी है कैलकुलेशन का एक ख्याल करें ठीक है कैलकुलेशन को इस तरह करें कि उसमें कोशिश करे कि एरर ना आ जाए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो इक्विलिब्रियम की मोड्यूल उस है उसमें उसमें अगर आप क्वेश्चन इक्विलिब्रियम के इक्वेशन से करोगे एक इक्वेशन दूसरे में पुट करोगे तीसरे छोटे में आ, तो उसमें कुछ एरर के चांसेस होते हैं तो वहाँ पर आपने बहुत ख्याल करना है ठीक है दूसरी बात यह कि आपने यूनिट्स को भी देखना है फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यूनिट स्टैंडर्ड सिस्टम में हो एसआई SI सिस्टम में तो आपने जी की वैल्यू नाइन पॉइंट एट रखनी है अगर आपको वहां पर कहा जाए कि फुट पाउंड सिस्टम है ठीक है एफपीएस तो वहां पर जी की वैल्यू पर नाइन पॉइंट एट नहीं डालनी है। आपने थर्टी टू पॉइंट टू फिट स्क्वायर डालनी है। तो यह सब कुछ आपने देखना उसके बाद आपने देखनेटा वही बात है कि आप लोग रिजल्ट जो है वो सही तरह से चेक करें मैंने यूनिट्स की बात की कि यूनिट्स को देखे कर, कौन से यूनिट्स यूज हुए। इस तरह ना हो के वहाँ पर मीटर किलोमीटर पर सेकंड क्वेश्चन में दिया गया हो आपसे मीटर में मांगा हो तो वो आपने चेंज करना होगा ठीक है यह एक सिस्टम के यूनिट्स हो आपने दूसरे के वैल्यू स्पोर्ट कर लिए तो ये आप लोगों ने बहुत ज्यादा ख्याल करना है इंश्योर शोर देट आंसर आर रीजनेबल इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड कॉमन सेंस तो ये वही बात हो गई डियर स्टूडेंट्स कि आपने जो डायरेक्शन ज्यूम किए थे अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई इसका मतलब है कि के आंसर करेक्ट अगर नेगेटिव आ गई तो उस डायरेक्शन के उस डायरेक्शन जो आपने जीम किए थे उसको बस अलग कर लो मतलब अपोजिट शो कर लो फिर उसके मैग्नीट्यूड जो है ये मैग्नीट्यूड और कॉमन सेंस इसका मतलब ये है कि आपका अप्रोच ठीक होना चाहिए इस तरह ना हो कि क्वेश्चन में कुछ और मांगे और कुछ और लिखे नीट काम करें कोशिश करें कि काम नीट हो जरा कटिंग वगैरह ना हो ठीक है फिर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में एरर्स नहीं आएंगे उसके बाद ये जी पॉइंट क्या कंक्लूजन बस फिर कंक्लूजन ड्रा कर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट

ठीक है बस ये थे आज के पॉइंट्स तो डर स्टूडेंट्स मैंने बस पूरी कोशिश कर ली आप लोगों के साथ कि मैं आप लोगों से पेपर के लिए तैयार कर सकूं और तो मैंने तकरीबन फिफ्टी थ्री भी लेक्चर प्रॉब्लम की वीडियोस अपलोड किए हुए हैं और ये मैंने कुछ चूंकि कल पेपर है तो मैंने आज कुछ ऐसे पॉइंट्स आप लोगों को बताया जो आपको बिल्कुल पेपर में काम आ सकते है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो तब तक के लिए इतना ही फिर मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो सीरीज में हो सकता है कि थर्ड सेमेस्टर में फिर इस तरह का शुरू हो जाए तब तक के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सीरीज में खुदा हाफिज़ दुआओं में याद रखिएगा